नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात होगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ जो भी शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है कि किसी तरह से जो तनातनी चल रही है उसमें नरमी आए, सामान्य स्थिति बहाल हो। लेकिन पाकिस्तान फिर एक चूक कर गया कि राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इमरान खान ने सिर्फ शांति का पैगाम दिया था, किसी तरह से अमन बहाली की बात की थी, कश्मीर का जिक्र नहीं किया था। लेकिन अब जबकि वो अपनी संसद में बोल रहे थे तब वो बोलते बोलते ये बात बोल गए कि भारत को ये बात सोचनी चाहिए कि आखिरकार कश्मीर में आज़ादी की मांग इतनी क्यों बढ़ रही है और 18 से 20 साल का लड़का कैसे फिदायीन बन गया, इस पे भारत विचार करे, सोचे। यानी कि एक तरह से उन्होंने फिर से कश्मीर राग आलाप दिया जो भारत की एक तरह से दुखती रग है। भारत इस बात को सुनना भी पसंद नहीं करता है, कश्मीर के मामले में वो कोई समझौता तो बहुत दूर की बात है। और ये भी बात किसी से नहीं छिपी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी का मुख्य मुद्दा है वो कश्मीर ही है और एक आतंकवाद है। भारत हमेशा कहता रहा है कि पहले आतंकवाद रोको, उसके बाद आगे की बात होगी, उसके बाद कश्मीर पे बात होगी। लेकिन इमरान खान ने जो है फिर से कश्मीर राग अलापा है। अब इसके बाद देखने वाली बात होगी कि जो अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश जो है बीच में पड़ करके किसी तरह से शांति बहाली का प्रयास कर रहे थे, क्या भारत अपना स्टैंड कायम रखता है कि अभी हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे और पाकिस्तान पहले एक्शन करके दिखाए या बात करने को तैयार होता है। मौजूदा जो परिस्थितियां है उसमें तो ऐसा नहीं लगता है और कहीं ना कहीं इमरान खान बेशक अपने सांसदों को, अपने देश के लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये बात बिल्कुल भारत पसंद नहीं करेगा। तो जो भी अब इसमें अगला अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर दें। थैंक यू।